पहाड़ों में गैस का वितरण हो रहा है यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से जंगल वाला एरिया है पूरा, 10 किलोमीटर तक लैंडस्लाइड जोन है, बहुत ही खराब रास्ता है। लेफ्ट की तरफ जो कि पुल दिख रहा है, एक रास्ता सीधा, तो हमें सीधा जाना है। गाड़ी की हालत देखो, रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो यही मंदिर का जो है मेन पट है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी इस वक्त हम लोग कैंप्टी फॉल के पास खड़े हैं पार्किंग में। तो कैंप्टी फॉल, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कैंप्टी फॉल दिखाया मसूरी में। आज हमारा दूसरा दिन है। यहाँ से हम जा रहे हैं देवलसारी, जो कि यहाँ से 65 किलोमीटर बता रहा है, 2.5 घंटे लगेंगे यहाँ से। बट अगर मसूरी से बात की जाए तो लगभग 45 से 50 किलोमीटर डिस्टेंस है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे स्टे कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज 45 से 50 किलोमीटर है। देहरादून, ISBT, हरिद्वार, दिल्ली, इन सब के लिए आप इधर से जाएंगे। जब हम मसूरी आ रहे थे तो भी ये पुल होके हम गुजरे थे, और अभी भी हम जा रहे हैं यहाँ से, नीचे यू टर्न लेंगे। देहरादून वाले रोड पे हैं अभी हम। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं देवलसारी, जो कि हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, देहरादून वाले रोड से होते हुए जाएंगे हम। बाकी आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है। इस वक्त हम लोग मसूरी में है, कैंप्टी फॉल गए थे अभी, और यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ट्रैफिक वाले एरिया से बाहर निकलते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। इधर की तरफ देखिए, नीचे की तरफ, ये नीचे का ट्रेल देखिए क्या जबरदस्त है। अभी 36 किलोमीटर, अभी 36 किलोमीटर बचा है, जो कि यहाँ से पहुँचने में 1 घंटा 20 मिनट लग जाएगा। 1:30 बजे पहुँच जाएंगे। धूप बहुत तेज लग रही है। मसूरी से निकले हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है। मसूरी में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिल रहा था, और ऑलरेडी उस रास्ते का मैं वीडियो बना चुका था, जो कि आप मेरे इस मसूरी ट्रिप के वीडियोस में आप देख पाओगे। कैंप्टी फॉल भी जा रहा था तो उसमें मैंने कवर लिया था। तो काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं मसूरी से, और नज़ारे आप देख लोगे। ये पहाड़ हो गया, इसके पीछे एक और पहाड़, आगे भी पहाड़ होगा जो कि हमें दिख नहीं रहा है धुंध की वजह से। यहाँ पे जो धुंध है, मतलब एक जगह पर स्थिर है, हवा चल भी रही तो एक होता है ना, मतलब धुंध भी साथ साथ चल रहा हो, एक जगह जमा हुआ है। तो ये भी एक साइन एक तरह से कि स्नोफॉल तो होगी, लेकिन अभी नहीं। 15 जनवरी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 15 जनवरी से लेकर लास्ट जनवरी तक जरूर होगा स्नोफॉल।
देवलसारी के रास्ते में ये नज़ारे कुछ इस तरीके से हमें दिखते हुए, ये ऊपर से हम ऐसे नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं ये ऊपर से हम आए थे, तो नज़ारा यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त है। ये यहाँ पे कैफ़े है, तो देवलसारी जा रहे हैं, वहाँ पे जो मंदिर है जो कि जंगल के बीचों बीच है, देवदार के बड़े बड़े और घने घने पेड़ पौधों के बीच में वो मंदिर है, जो कि एक अनोखा एक अलग ही वाइब आता है वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लगता है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जो देवलसारी गांव है वहाँ पे, गांव भी बहुत खूबसूरत है। देहरादून वाला रास्ता आप लोगे तो उसी रास्ते में पड़ता है। जैसे आप उत्तराखंड में नैनीताल तरफ जाते हैं तो उधर सड़क काफ़ी चौड़ी है, चलाने में दिक्कत नहीं होती, मतलब कि एक 6 महीने साल भर एक्सपीरियंस के साथ भी अगर आप कार वगैरह ड्राइव कर रहे हो तो आप आसानी से चला लोगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि मसूरी हो गया, धनौल्टी हो गया, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल हम डलवा लेते हैं, तो ऐसे जगहों पे ना थोड़ा सा स्किल चाहिए चलाने के लिए, तो पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो मैं कह रहा था कि नैनीताल साइड में अगर आप ड्राइव करते हो, अगर थोड़ा भी आप चला चुके हो फोर व्हीलर वगैरह, 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस आ चुका है, तो आप नॉर्मली आप चला ही लोगे। लेकिन अगर आप मसूरी धनौल्टी की तरफ आते हैं तो इसके लिए दोस्तों प्रॉपर स्किल चाहिए चलाने के लिए, क्योंकि सड़क बहुत ही नैरो है, कंजस्टेड एरिया है, जगह जगह पे पॉट होल्स भी दिखने को मिलते हैं और गाड़ियां भी सड़क किनारे पार्किंग में खड़े होते हैं, तो बहुत ही कंसंट्रेट करके और बहुत ही स्किल के साथ चलाना पड़ता है। तो आप जब भी आए इधर आप थोड़ा सा उस हिसाब से सोच के आइए, जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ये उनके लिए नहीं है, पर जिनके पास गाड़ी है पर उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी चलाने के लिए, तो आप रिस्क ना लें, आप एक ड्राइवर हायर कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं, क्योंकि जान है तो जहान है, लाइफ बची रहेगी तो बहुत जगह घूमेंगे। पूरा 10 किलोमीटर तक लैंडस्लाइड जोन है, बहुत ही खराब रास्ता है पर एडवेंचर से भरा हुआ है। तो आप इधर आए तो उस हिसाब से सोच करके आए, दिन में लेकिन आए, नज़ारे भी आपको अच्छे से दिखेंगे और इधर ड्राइव करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा नाइट में, तो आप या इवनिंग में, अब दिन में आए, पूरा एडवेंचर से भरा हुआ ये रास्ता। से जो दो रास्ते जा रहे हैं, एक लेफ्ट की तरफ जो कि पुल दिख रहा है, एक रास्ता सीधा, तो हमें सीधा जाना है पुल की तरफ, नहीं मैप पे आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं, आपको सीधा ही जाना होगा। पुल के बाद से जो है हमें सीधा आगे निकलना है, और रास्ता देखिए कितना खतरनाक है, रोड का कंडीशन अच्छा नहीं है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि पूरे 10 किलोमीटर तक ऐसे ही जाना होगा इस खराब रास्ते से। यहाँ से भी 30 मिनट लगेंगे पहुँचने में, यहाँ से देवलसारी हमें ये जो रास्ता देख रहे हैं राइट की तरफ जाना है, ये लेफ्ट भी है पर हमें राइट लेना है, 1 किलोमीटर है यहाँ से। रोड का जो कंडीशन है बहुत ही बेकार है, यहाँ पे एडवेंचर से भरा हुआ है, तो आप उस हिसाब से प्लान करके आइए। कोई भी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा
सड़क कंडीशन के बारे में जब भी आप जेवर सारी आते हैं तो आप जब भी आए दिन में आए और उस हिसाब से प्रिपेयर हो गया, क्योंकि जंगल वाला भी एरिया है और सड़क कंडीशन भी सही नहीं है, इधर आने में आपको टाइम लग जाएगा। जहाँ मैंने आपको पुल दिखाया था, पुल से जब सीधा हमें आगे निकलना था, वहाँ से एक बार भी हमें अच्छे कंडीशन वाला रोड देखने को नहीं मिला है, और एक बार में एक ही गाड़ी पास हो सकती है। गाड़ी की हालत देखो कैसी हो रखी है। वो वहाँ पर दिख रहा होगा बोर्ड, उस बोर्ड तक ही गाड़ी जाती है, वहाँ से हमें 500-600 मीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। तो चलिए चलते हैं, ये है ट्रैकिंग का रास्ता। तो आप ठीक से देख लो, जब भी आप ये तीन बोर्ड देखो, इधर भी दो बोर्ड हैं, तो आप समझ जाना ये ग्रिल लगा हुआ है, तो समझ जाना कि यहीं पे रुकना है। बाकी अब यहाँ से देखिए नज़ारे कितनी ज़बरदस्त हैं। ये वो जंगल है, इसी जंगल के अंदर मंदिर है, तो चलिए चलते हैं। दो तीन घर हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी रहते हैं। जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट किया था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो एक होम स्टे भी है। अभी हम ढलान से नीचे उतर रहे हैं, यही लौटते वक्त चढ़ाई बन जाएगी हमारे लिए। वो देखिए वहाँ पे आपको हल्का सा दिख रहा होगा पानी का स्रोत है वहाँ पे, ये इधर देखिए। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आप इधर से जैसे आते हो ना तो एक रास्ते से सीधे की तरफ गया, तो हमें जैसे सीधे नहीं बढ़ना है, यहाँ से ऊपर की ओर जाना है। आप देख सकते हो तिराहा एक तरह से, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इधर से हम आए थे, तो ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, तो चौराहा रास्ता हो गया एक तरह से। तो चलिए चलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो 500 मीटर हो चुका है, बोलते हैं कि 500 मीटर की ट्रैकिंग है, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। पाँच सौ मीटर तो कंप्लीट 100% हो गया होगा, कतई जहर है, कितना घना जंगल है। ये बड़े बड़े देवदार के पेड़ दोस्तों देखिए, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मंदिर, देवलसाली मंदिर, महादेव का मंदिर है। ये फाइनली पहुंच गए, देवलसाली वन मंदिर परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सहयोग करें, अपना कूड़ा साथ ले जाएं।
तो यही है मंदिर, फाइनली पहुंच गए। तो यही मंदिर का जो है मेन पट है, और बगल में भी एक शिवलिंग है यहाँ पे। अब इस मंदिर के हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देवलसारी मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो कि भारत के उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के घाटी में स्थित है। यह घने देवदार के जंगलों और हरे भरे घासों के मैदानों के बीच समुद्र तल से 5,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर मसूरी से लगभग 55 किलोमीटर और देहरादून से 80 किलोमीटर दूरी पर है। देवलसारी में प्रसिद्ध शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 16वीं सदी में हुआ था, जो ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। 600 साल पहले इस क्षेत्र में देवदार के जंगल नहीं हुआ करते थे और यहाँ ज्वार उगाई जाती थी। कहा जाता है कि एक बार एक चौकीदार की मुलाकात साधु से हुई थी, तो साधु ने कहा मुझे कुटिया बनाने के लिए जगह चाहिए और मुझे इसे आज ही बनाना है। सितंबर का महीना था और खेतों में ज्वार पक रही थी। चौकीदार ने साधु के साथ सख्ती से पेश आया और उसकी मांग ठुकरा दी। तब साधु नाराज हो गया और बोला कि कल तक मैं तुम्हारी ज्वार को देवदार में बदल दूंगा, और वह चला गया। अगली सुबह जब चौकीदार उस जमीन पर आया तो पूरी तरह जमीन बदल चुकी थी, ज्वार की जगह देवदार हो गई थी। जमीन के बीचों बीच एक शिवलिंग, कुछ मूर्तियां और एक ओक के पेड़ अचानक से दिखाई देने लगे थे। जब लोगों को यह पता चला तो उस समय लोग काफ़ी धार्मिक हुआ करते थे और वहां मंदिर बनाना चाहते थे, हालांकि मंदिर कभी नहीं बना। गांव के एक व्यक्ति को एक स्वप्न आया जिसमें साधु ने कहा कि मैं भगवान शिव हूं और इस स्थान का नाम देवलसारी होगा। जब तक मैं यहाँ हूँ देवता हमेशा यहाँ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। सही समय आने पर यहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा और मंदिर कोनेश्वर महादेव के नाम से बनाया जाएगा। 200 साल बाद भगवान शिव एक और स्वप्न में प्रकट हुए। गांव किंसू की गाय शिवलिंग पर अपना दूध चढ़ा दिया करती थी और इस वजह से लोग सुबह शाम हैरान हुआ करते थे कि दूध कहाँ जाता है। गाय के मालिक ने गाय को मारा तो गाय मंदिर भाग गई। उस व्यक्ति ने अपनी कुल्हाड़ी ली और शिवलिंग पर मारा और उसे तोड़ दिया। कुल्हाड़ी उछलकर उस व्यक्ति के सिर पे लगी और वह कुल्हाड़ी वहीं सिर पे फंस गई। वह व्यक्ति कुल्हाड़ी को सिर में दबाए हुए वापस चला गया और रात में जब उसने कुल्हाड़ी को सिर से निकाली तो उसकी मौके पर ही लोगों को लगा कि भगवान शिव नाराज हैं और उन्होंने मंदिर बनाने का फैसला किया। भगवान शिव फिर एक बार व्यक्ति के सपने में आए। भगवान शिव ने कहा कि मंदिर बनेगा और साथ ही मेरी डोली भी बनेगी। डोली किंसू गांव के अलावा सभी गांव में जाएगी। अगर डोली किंसू गांव गई तो गांव का विनाश हो जाएगा, गांव पर प्रकृति का प्रकोप आ जाएगा। तो इस तरह से यह मंदिर का निर्माण हुआ। तो मंदिर काफ़ी पुरानी है और आसपास के गांव के लोगों की आस्था यहां से जुड़ी हुई है, तो इनका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। आई होप यहाँ की हिस्ट्री आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। देवलसारी टेम्पल अभी अक्षत मेरे गोद में है, तो निकलते हैं यहाँ से। आप मुझे कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।